सचिन से पहले किन लड़कों से बात करती थी सीमा? क्या सचिन से पहले और लड़कों को फंसाना चाहती थी सीमा? क्या सीमा की मदद करते थे वो लड़के? आखिर कौन है दिल्ली एनसीआर के वो लड़के जिनकी तलाश में एटीएस की टीम जुटी है? सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में एटीएस की एंट्री के बाद बैक टू बैक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 17 जुलाई को एटीएस के सवालों का जवाब देते हुए सीमा हैदर ने पबजी को लेकर खुलासा किया। सूत्रों के मुताबिक सीमा ने एटीएस को बताया कि सचिन सीमा को पबजी पर मिलने वाला एक लौता भारतीय नहीं था। सचिन से पहले भी सीमा ने इंडिया में कुछ और लोगों से बात की थी। यूपी एटीएस की हिरासत में सीमा हैदर ने कई खुलासे किए थे। बता दें कि सोमवार को सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता को यूपी एटीएस ने हिरासत में लिया था। इस पूछताछ में सामने आया कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन ही नहीं बल्कि कई लड़कों से पबजी खेलते वक्त बातचीत की थी। अधिकतर लड़के दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं जिनसे सीमा हैदर बात किया करती थी। फिलहाल यूपी एटीएस सीमा और सचिन से अलग अलग पूछताछ कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर से सोमवार को एटीएस ने अंग्रेजी की कुछ लाइन पढ़वाई थी जिसे सीमा ने न सिर्फ अच्छे से पढ़ा बल्कि उसका पढ़ने का तरीका भी अच्छा था। सीमा के चाचा और भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना भी शक पैदा कर रहा था। साथ ही सीमा के बिना वीजा इंडिया आने को लेकर भी उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी एटीएस ने सोमवार को सीमा हैदर के पासपोर्ट, आधार कार्ड और उसके बच्चों से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की। जांच के दौरान ग्रेटर नोएडा रघुपुरा थाने के थाना प्रभारी को भी बुलाया गया। थाना प्रभारी की जांच में मिले सबूतों को एटीएस ने अपनी जांच में शामिल किया है। यूपी एटीएस के एक अफसर ने बताया कि वो अपनी पूरी जांच रिपोर्ट लखनऊ पुलिस मुख्यालय को देंगे। इसके बाद वो रिपोर्ट दिल्ली में गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर सीमा की किस्मत का फैसला होगा, यानी सीमा भारत में सचिन के साथ ही रहेगी या उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। टाइम्स नाउ, नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।